classes, so by just tell us something about the movie, Mohan. This is your first movie you have directed. Mm-hmm. How much difficulty you face while directing also? Tell us something. So Mukti Bhavan is my first feature film. It is about a story of a father and son who have to go to a hotel in Banaras where you have 15 days to die or you have to go back home. So yeah, so it is mera pehla picture hai. Humne bahut aise family aur friends mein banaya hai logo ki madad leke aur maine sabse best crew aur sabse best cast se banaya hai. कास्ट के साथ बनाया और आदिल जी हैं उस फिल्म में और ललित जी हैं जो लीड्स हैं फिल्म के और इसके अलावा कई सारे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं और मुझे लगता है कि ऐसी टाइप की फिल्म है जहाँ पे लोग काफ़ी मुस्कुराते हुए थिएटर से निकलेंगे. थोड़ी ज़िंदगी की तरह ये फिल्म, कभी कभी हंसोगे, कभी कभी मुस्कुराओगे और कभी कभी शायद रोगे तो मुझे बुरा लगेगा, पर फिर भी कहानी की बात करें तो मुक्ति जैसे एक अपना पिता को लेके जाते हैं मुक्ति दिलाने के लिए, इस बात को अपना रियल लाइफ में कितना रियल मानते हैं, फैक्ट मानते हैं. और आदिल हुसैन साहब जो एक बहुत बड़े अपने आप में ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करने में कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आदिल जी के साथ? आपका पहला सवाल क्या था? था वो मुक्ति वाला, जो कहानी के हिसाब से एक फादर एक सन अपने फादर को मुक्ति दिलाने के लिए, जी इस बात को आप कितना रियल लाइफ में? जी मेरा मानना एक अलग सवाल है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो मुक्ति भवन है असली में बनारस में है और यहीं से आइडिया शुरू हुआ था. जब मैं बनारस गया था, मैं लोगों से वहाँ बात कर रहा था और मुझे एक कहानी किसी ने मुझे बताया, एक बेटे की जो अपने पिताजी को यहाँ लेके आता है. और इसमें इतना सुंदर कहानी था कि मुझे बनाना ही पड़ा. जैसा आदिल जी का सवाल उठता है, तो आदिल जी के साथ मुझे बहुत मज़ा आया. वो बहुत ही केयरिंग और मेरे दोस्त बन गए इन्होंने, और थोड़े बड़े भाई बोलूँगा तो उनको शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, प्रोटेक्टिव है मेरे पे. और हमने बहुत डिस्कस करके, बहुत अच्छे से, बहुत बातचीत करके हमने ये फिल्म प्यार से बनाया है. मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स पसंद हैं, जैसे शेखर कपूर जी हैं, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद थी. मिस्टर इंडिया जैसे मुझे बहुत पसंद थी, मैं बचपन में हज़ारों बार देख चुका हूँ ये फिल्म. और दूसरे भी उनके, ऑब्वियसली बैंडेड क्वीन और ये सब. और विशाल भारद्वाज जी भी हैं हु आई रियली लव. एंड यह मुझे हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, तो मतलब मैं अगर शुरू करूँगा तो आप ही थक जाओगे सुन सुन के नाम सबके. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. जी थैंक यू, थैंक यू. महेश लाइक शी इज द बॉस ऑफ आवर कंपनी, से हेलो टू एवरीवन. हाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई एम द इनविजिबल पार्टनर. शी मींस शी इज गॉड. ओके एंड आईड लाइक टू इनवाइट नाउ मिस्टर ललित बहर दया फ्रॉम मुक्ति भवन. And Vimla ji, Mrs. Navnindra Behel, they happen to be husband and wife also, but they play a different role in the movie. And I'd like to call the amazing Adil Hussain. Raji. Most amazing. No, most amazing is everybody. And I'd like to invite now the writer and director of the film, Shubhashish Bhutiani. Yay. So, does anybody need any background on Mukti Bhavan? Everybody has it, or would you like to know something? So, I guess let's give it to the director to say something about Mukti Bhavan. Yeah. Namaste. After seeing this video of the making, I think you can see that we've made the film with a lot of love, and that it became a kind of situation. It became a friends and family making a movie kind of situation. Where we were all very, very involved, and we became very close, and we were joking and having fun, and even though it was very, very difficult at times for all of us, so I think everybody's left with really nice experiences, and half the fun of a film is the making of it. Obviously, now the difficult part, other difficult part starts, which is to show you the movie next week,
But we had a great joy making the film, and I hope you guys get to see it. मैं बस ये कह रहा था कि आप देख सकते हैं इस वीडियो से कि सब दोस्तों और दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत हंसी मजाक है, थोड़ा बहुत था, लेकिन सब लोग ने काफ़ी मेहनत करके और मेहनत करके ये फिल्म बनी है, और हम सब इस एक्सपीरियंस से बहुत बहुत खुश है बनाने में, और अभी दिखाने में और भी ज़्यादा खुश हैं। तो देखते हैं आप, प्लीज़ अगले हफ्ते प्लीज़ देखने आना। Thank you so much. I would definitely thank Sanjay and Shubhashish for making me part of this film. It has been an amazing experience, particularly in the context that we, at the age of 60 plus, 65 plus, were working under the direction of 26 years old Shubhashish, 25 years old Shubhashish, and working on a film which even people of our age would definitely fear from touching such kind of a subject, and you will see it for yourself how it has come. And I'm really, really thankful to the core of my heart, Shubhashish, and congrats, and I hope for the very best for the film. मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, और मुझ पे वशिष्ठ ने जो विश्वास जिताया था, मतलब इतना बड़ा कैरेक्टर और मुझे थमा दिया, जो बड़ी जिम्मेदारी का काम था, और मैं मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि जो कुछ मेरे डायरेक्टर या मेरे प्रोड्यूसर चाह रहे हैं वैसा मैं कुछ करूं, और अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ठीक ही होना चाहिए। I'm thankful to my producer, my director, for this opportunity. So, we both, and Shubhashish as a director, he's also produced the film. Three of us have produced the film. And he's he was only 23 when he started writing this film, and at 24 he shot the film, and 25 is releasing the film. So it's been a good 2-year journey for him as a writer-director. And we are very, very proud of this film, and privileged to be part of it. And as producers, we have given our best support we could to everybody in the team. And I think it has left all of us with fabulous experience, like what Shubhi said, Shubhashish said. I say Shubhi because he's my son too, and fondly call him all the time like that. But yeah, it's been a great, great experience for all of us. Over to you. I can second everything that Sanjay has said. Yes, we've had a amazing experience working on Bhavan, and great actors, great director, great producer, one of the best. And Shubhi, I have to say that we keep on saying he's very young, he's 25. But there's an amazing immaturity in his thinking, and I love reading his interviews. I admire his knowledge of cinema, and great actors, great Adil Hussain. And over to you. It's always had been a subject of contemplation, the subject which is death, and of course life. I came to know about the inevitability, or I realized the inevitability of death at the age of much later than him. When I was his age, I was only thinking about most probably girls, but at the age of 35 I was reading few books on death by the American, Native American shamanism. And I became very curious about it, and I ended up reading a lot about it.
And then my father passed away in 2003, and I did not feel sad at all. So I was very surprised about that, because most probably I started believing that death is not the end of the story, and it has got some other, you know, journey. We are in another dimension. And so when this film came about, I was sent a text message by one of our common friends, Sanjay's and mine, that this film is about this subject, which is death and life, and will be directed by a 24-year-old whose first film got the best short film in Venice Festival in 2013, called Kush. And would you be interested? I said, yes, I am in. So, and then I read the script. And after reading the script, I was even more convinced, the English version of it. And then I read the Hindi script, so I was more convinced after that. And I was enjoying the shoot the way that I would enjoy my NSD days theater production, because of the kind of the kind of affection that we feel in a theater group, which I miss in films most of the time. The films, the actor comes, they go into their vanity van and they sit there, and you know, before the shot they would come and just we do the scenes, and then we don't know each other and we go on our own ways. But this film was sort of that affection between all the actors and the producers and the crew and the cast. And the crew average age was 24, 25. The cast averages was what? You counted it the other day. I think it was about 65. 65 or 70. So I was like, okay, buzurg ban gaye to hum. Anyways, so it had been a great experience, and thank you, Subhashish, for reaching out to me. And I feel gifted. I feel extremely blessed and grateful to be part of this film. It has made me realize more things about death when I was walking in the pyres when it was burning. So I came to sort of realize that, oh, there where I have to go one day, or maybe today. And so thank you so much. Just adding to this, the film had its world premiere at Venice Film Festival to a standing ovation, and it won the UNESCO Enrico Fulcignoni Award, and also received the UNESCO Gandhi Medal in February this year in Paris. And it won the Critics' Choice Award in French premiere that was done at Vizul. And it has had its Asia premiere at Busan and Dubai, the Middle East premiere. And it's been traveling all over the world in most all the premium festivals. Now we've done about 8-9 festivals in Europe and Southeast Asia. And now it's scheduled to go to North America and Australia and Taiwan and Toronto and UK and many other countries. I think about 25 odd we've already confirmed. And the good thing is that we are being invited for festivals, most 99, no, we have not actually applied. In all the cases, the festivals have invited Mukti Bhavan everywhere. So we've not applied at a single festival. So that's the testimony of this beautiful film that Subhashish and all of us, of course, supported him, and this team has made such a great. We all love it. Questions. So we are releasing it on 7th April, as you saw in the promo. So it's releasing in top 20 cities to start with, in about between 80 to 100 cinemas, and primarily focusing on multiplexes, because we believe that that's where the primary audience is. However, we are releasing in places like Lucknow, Varanasi, Kanpur, Chandigarh, Guwahati, Kolkata, Nagpur, Indore, Jaipur, Jodhpur. So we are looking at, not looking at, we're releasing in these towns, apart from Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta. So it's going to big metros as well as mini metros and some of the smaller towns. So that's what it is. And so promotions are happening right now, and it's an independent film. So whatever best we can do through social media, through some little bit in television, press, and other activities that we can do. And we've been on the road since 4 days. We were in Calcutta 3-4 days ago. We went to Banaras. Now, next stop is Bombay, and then now we go to Delhi after this. Adil,
दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं देखता हूँ कि बैंक में कितने पैसे हैं, तब मैं एक कमर्शियल फिल्म कर लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि एक ऐसा किरदार आया है जिसमें मुझे मेरी रात की नींद छूट जाती है, या देखता हूँ कि जहाँ जिस किस्म के स्थिति को, अपने अंदरूनी स्थिति को मैंने अभी तक निभाया नहीं है या महसूस नहीं किया है, उस किस्म की स्थिति या स्टेट ऑफ फीलिंग इमोशंस को अगर कोई डायरेक्टर सूक्ष्मता के साथ या सटलिटीज के साथ लिखे हैं, तो वहाँ जाके मुझे सबसे चैलेंजिंग लगता है कि जब मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये किरदार मैं कैसे करूँगा, तभी तो मज़ा आता है। तो इस फिल्म में हमेशा इट वॉज लाइक आई एम ऑन माई टोज, यानी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई हैड ग्रेट को एक्टर्स एंड अ विजिलेंट वाइज इंटेलिजेंट हम्बल डायरेक्टर टू गाइड मी थ्रू, एंड आई होप इट वर्क फॉर अस, एंड आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क फॉर द ऑडियंस और नॉट। आई बिलीव दैट इट विल वर्क फॉर द ऑडियंस वेरी मच। Theater, any day. I have no qualms about it to say, because I think that theater is a place where an actor grows all the time. Films are, because of the nature of the medium, it is shot haphazardly, it is shot, first scene is shot on the last day. Like I just did a film in Dhaka, the first shot was the last scene, and the last shot was the first shot was the first scene was shot on the last day, and the last scene was shot on the first day. So it is very difficult to, you know, experience the journey, and I'm a sucker for my emotional experience, and that's why I have become actor, or that's why I started acting. So mere khayal se filmon mein jitne exploitation or exploration ek actor ke hote hain, aur jis kisim ke theater mein karte aaya hu pichle, you know, itne saalon se, wahan ka 10% bhi filmon mein istemal nahi hota hai या वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म के फिल्मों में मुझे काम करने का अभी तक मौका मिला है, विच इंक्लूड्स दिस वन, आई थिंक आई वुड कंसीडर दिस इज द फाइनेस्ट पीस ऑफ स्क्रिप्ट आई गॉट, एंड आई होप दैट आई डिड जस्टिस टू इट। तो मैं लकी हूँ कि आई एम ऑल्सो डूइंग रोबो 2 एंड फोर्स 2 एंड Commando 2, and I'm also doing this, because both are very important in so many different ways. One to pay the bill, the other is for dil. So I find it, you know, it's very important to balance that out. Actually, the idea came because I travel a lot. So I had gone to Banaras, and there someone told me about these hotels where people have 15 days to die or they have to go back home. So it made me laugh at first, but it also puts you in a state where you're really confused. And I went to these hotels, read about them, and started meeting the people, just because I couldn't believe that something like this exists in our own country, you know. And I heard a story there about a son who had to bring his father here, and it really, I really choose my script, what I want to write. If for 2-3 months or sometimes 4 years, my short film, it took me 4 years before when I thought about it and made it. If the idea cannot let go of me in a way. And so 3 months later or 4 months later, I started to write this a story about a son who has to bring his father to this place. Yeah. Lalit ji, aap ye bataye ki film karne ke dauran jaise aadil saab ne bataya ki mrityu ke prati unki kya soch samajh aayi, aapko kya laga ki maut kya hai, maut ke liye मौत के प्रति आपकी क्या सोच? ये फिल्म वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और जहाँ तक फिल्म से इम्प्रेशन में बदलने की बात है, सच बात यह है कि ये फिल्म करने के बाद मैंने अपने आप को फिर से दोबारा टटोला देखा, और सचमुच में फिल्म मुझे एजुकेट करके गई है और सचमुच में बदला भी हूँ। और जहाँ तक मौत की आप बात कर रहे हैं, तो मौत के बारे में ये है कि ये करने के बाद
थोड़ा लिबरेट हुए, मतलब मौत से जो थोड़ा बहुत खौफ पहले होता है वो शायद कहीं उड़न फूर हो गया, समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। और खूबसूरत बात है ये फिल्म मौत से कहीं आगे भी जाती है, ये हमें पुनर्जन्म तक भी लेके गई। और इसकी परतें इतने खूबसूरत हैं, जब जब वो खुलनी शुरू हुई, जब मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी तो बड़ी इम्प्रेसिव थी फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद रीडिंग के बाद सुबह मेरी मुलाकात होती है तो ऑफ कोर्स ये एज में काफ़ी छोटे थे तो पहले तो मैं स्क्रिप्ट से बहुत इम्प्रेस हुआ, फिर जब इनसे बातचीत की तो मुझे लगा ये तो बड़ी बात होने वाली है और घुस जाओ इसमें। मैंने फौरन इसको बोला यस आई एम गोइंग, ये मेरी सेकंड फिल्म है, जैसे पहले मैंने तितली में एक कैरेक्टर किया था वो भी फादर का था, लेकिन उस फादर में और इस फादर में बहुत अंतर था, बहुत काफ़ी फर्क था। वो एक छोटे से डैन और क्राइम के फैमिली को हेड कर रहा है और साइलेंटली उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो फादर था बड़ा सेंसिटिव है और बाहर से उसका शेल बड़ा सख्त और ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन अंदर में बहुत लहर है, पोइट है, मतलब उससे काफ़ी मुख्तलिफ था। मेरे लिए बतौर एक्टर इसमें काम करना एक एजुकेशन का प्रोसेस भी था, तो मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टर मिला था और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली थी। और सोने में सुहागा ये हो गया जब मुझे मालूम पड़ा कि आदिल बेटे का रोल करने वाला है, तो आदिल के साथ काम करना अपने आप में एक और दोबारा से स्कूल में जाने वाली बात हो जाती है। तो हालांकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित हैं, ये NSD से, मैं भी NSD में कुछ देर रहा हूँ और वहाँ एक कल्चर है बहुत बड़ा, तो मेरे लिए ये फिल्म मौत और उससे भी कहीं आगे कुछ और एजुकेट करके गई है। और ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी से कोशिश की और मुझे अच्छी गाइडेंस जो इससे मिलती थी, जहाँ जहाँ हमें भटकता था तो वहाँ वहाँ सुभाषीष मुझे थोड़ा सा प्यार से और बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग थी कैरेक्टर। कई बार मैं जानबूझ के छेड़छाड़ करता था और चीज़ों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करता, बट ही सो क्लियर द अल्टीमेटली, ये बहुत बुरा वर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलता था ये, लेकिन धीरे से बड़े प्यार से बोलते नहीं ऐसे नहीं ऐसे। और मैंने एक बार भी नहीं देखा कि जो सुभाषिष ने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। आई रियली लव यू, और मतलब मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास कैरेक्टर है और मैंने बहुत सारे रीजन है मेरे ख्याल से, मैं तो शायद कुछ ही चार पांच बता पाऊंगा। आई थिंक हमारे इस देश में जैसे जैसे जो यूरोप में जो मेन स्ट्रीम फिल्म है वो यहाँ के हमारे ये फिल्म है, ये फिल्म यूरोप में मेन स्ट्रीम फिल्म माना जाएगा। और भारतवर्ष में स्टोरी टेलिंग का जो एक हिस्ट्री रहा है उसमें गाने बजाने फोक सॉन्ग्स में भी है, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत गंभीर था, बहुत उसमें फिलोसॉफिकल था और सोशल इश्यूज थे, लेकिन जब वो सेम स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग जो कमर्शियल मार्केट जब डोमिनेट करता है तो वो कंटेंट तो जाता है कहीं पे और सिर्फ वो गाने बजाने रह जाते हैं या मारपीट जो होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे मार्केट में जो मार्केट एक्सपर्ट्स है, जो फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी बट मोस्ट ऑफ इट, आई फील दैट दे समहाउ बाईपास द हार्ड वर्क in order to make a good movie which will have songs and dance, the Indian storytelling system, but yet can be content driven. वो उसमें उसको करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो हम मेहनत करते नहीं हैं, बोले ये इसको ले लो उसको ले लो, ये डाल दो वो डाल दो, चल जाएगा। तो चलता भी है तो सक्सेस भी होते हैं, तो पैसे भी मिलते हैं, तो who will do the hard work? So this is Sairat, for example. You know, so it is a very, you know, made, I don't know what's the actual budget of the film, but five something, and it made a lot of money. I think that should be
a very, you know, it's an opening example, eye-opening example for Bollywood film industry कि अच्छे फिल्में बन सकती हैं और जो स्टार भी नहीं है वहाँ कोई एक ऑर्डिनरी यू नो लुकिंग गाय लाइक मी यू नो इज द हीरो आई मीन आई एम ऑफ कोर्स उम्र में बहुत छोटा है एंड रोमांसिंग विद अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग वुमन शी इज ब्यूटीफुल बट जो सो कॉल्ड बॉलीवुड हीरोइन के जो ब्यूटी है उसमें तो नहीं है वो मतलब उसको ब्यूटी माना जाता है इसको नहीं माना जाता है तो वो भी तो मार्केट ड्रिवन है कौन सा ब्यूटीफुल है स्लिम वगैरह और जीरो साइज एंड ऑल दिस तो मार्केट ड्रिवन ब्यूटी करते हैं सो मेरे ख्याल से हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं जैसे लाइफ ऑफ पाई में मैं कहता हूँ वहाँ कौन सा हीरो था कोई नहीं था एक शेर था एक बच्चा था यू नो ये था और समुंदर के बीच में तो कैसे वो पूरे भारतवर्ष में गुवाहाटी जैसे शहर में 5 हफ्ता चला वो फिल्म और 110 मिलियन का फिल्म जो है वो 880 मिलियन कमाया ऑलमोस्ट 1 बिलियन तो वो प्रूव करता है कि पैसे भी इतना नहीं चाहिए सैरत के एग्जांपल ले लीजिए पैसे होने से भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है अगर आपको आता नहीं है फिल्म बनाना तो हमारे यहाँ जो है जैसे ये फिल्म अगर हमारे पास पीएनए के लिए बहुत पैसा रहते हैं सो जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं कहते हैं ना कि हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं एमबीए हैं वो है तो उनको और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्टीज कमाने की ज़रूरत है ताकि अगर अच्छी फिल्म है तो उसको कैसे पैकेज किया जा सकता है और लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो लोग देखते ही फिल्म कहते हैं फिल्म तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं तो अगर आप इतने मीडियोकर फिल्म चला सकते हो तो अच्छी फिल्म क्यों नहीं चला सकते हो तो आपको फिर दोबारा और एक बार डिग्री लेना चाहिए नहीं इज इट नॉट ट्रू सो एनीवेज हरे गीतांजलि हाय शी इज माय वाइफ इन द फिल्म दैट्स व्हाट आई फील सॉरी सर रोबोट के बारे में भी अगर कुछ बातें बता दें मुक्ति भवन के बारे में बात करते हैं मुक्ति भवन करते हैं सो प्लीज वेलकम गीतांजलि गीतांजलि कुलकर्णी शी प्लेज माय वाइफ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टास्क मास्टर इन द फिल्म एंड शी डज अ ब्रिलियंट जॉब आई जस्ट लव हर वर्क Yes, ma'am. जी 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 यस सी गीतांजलि एंड वी गो बैक लॉन्ग यू नो द एनएसडी डेज एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल व्हेन शुभाशीष टोल्ड मी गीतांजलि इज प्लेइंग आई वाज लाइक इट्स माय सीनियर या Do I look senior? Okay. So, because see, we come from the similar background, and just say Lalit ji, he acted in Repertory Company, of course, long back, and I said great, and then it just flowed. You know, we didn't have any. Like, ha, yeah, senior. अच्छा ऐसा ऐसा करना है, and Shubhashish will come and will as Lalit ji said that थोड़ा सा इधर उधर guide करके. And very gently, and that is the most creative, difficult to be that creative, and so simply directing somebody, an actor. So I had great fun with that. Yes. गीतांजलि जी आपको बहुत हंसाएंगी फिल्म में जहाँ कहीं पे भी दुनिया में जाते हैं तो उनके कई कई सीन्स हैं हर देश में लोगों को हंसी आती है तो मैं आपको ये तो एक वादा दे सकता हूँ lot of background of comedy so ये फिल्म जब मैंने पढ़ी जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद आई और जब मैं शुभाशीष से मिली तो मेरा जो पिछला अनुभव था चैतन्य के साथ काम करने का वो ये पता था कि यंगस्टर्स आर ग्रेट एंड आर वर्किंग सो मुझे लगा कि हाँ 25-27 तो ये डायरेक्टर सही है तो उसके साथ काम करना ही चाहिए तो बहुत मज़ा आया काम करने में इसलिए क्योंकि ये स्टोरी बहुत अलग है हम 15 दिन वाराणसी में थे जिसके वजह से वो जो माहौल होता है जब आप उस माहौल में जाके शूट करते हो तो उसका असर आप पर भी पड़ता है जिस भाषा में आप कर रहे हो काम उस भाषा वो भाषा जहाँ बोली जाती है वहाँ पे काम करना ललित जी आदिल पौलमी ऐसी कास्ट होना और सबसे बढ़िया शुभाशीष की बात मुझे ये लगी कि वो उम्र में छोटे हैं लेकिन वो जिस तरह से अपनी कास्ट को हैंडल करते हैं जिस तरह से अपनी स्टोरी बताते हैं हमें अपना कैरेक्टर समझाते हैं वो बहुत ही मैच्योर्डली बताते हैं तो इस बात का बहुत मज़ा आया और मैं और पालमी हम लोग हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और
ओवरऑल 15 दिन हमने बहुत ऐश किए और मजा भी किया बहुत सारा. फिल्म भी बनी. नो नो नो, आई वॉज देयर फॉर 15 डेज. फिल्म वॉज शॉट फॉर अराउंड अ मंथ. Yeah, 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 we have submitted it, yes. Let's see what the juries think about it. I also want to tell you that there are things developing for the film. So it is going for an international release as well in a few countries, and we make these announcements in about 3 weeks from now. So because the film has done very well at the festivals, we've got fantastic inquiries from different countries. And we are very proud of it that, you know, people want to see it in theatres in different parts of the world as well. Thank you. Yeah. Which country included? We should be there in Europe, Southeast Asia, these kind of countries. Middle East of course is happening, yeah, because we've signed the contract. So the other contracts we are signing. Korea is another country which we... So it's going to be talking. I don't know, it's their call. Sometimes they dub, sometimes they do the subtitling in their local language. But I think most of them are doing subtitling, most of them. Is it interesting that actually films like this actually have started finding an audience? Not in India, but at least abroad, where the money is finally going. But I mentioned, the whole point is there's a risk. The economic factor is always there when you make a film, accepted. So, which is why the, like in some countries, as Adil was saying, you know, these are kind of mainstream films. Exactly. So, there are some countries in Europe and all, they find these films as like really doing, like Lunchbox did very well in many countries. And so we've got a very good, as I said, the response at festivals was really good. And so internationally also media has written very well about this film, which I guess motivates, you know, distributors to see the response. So like we participated at the European Film Market in Berlin. In February, where only distributors come and see your film and some festival people. So from there on we started getting response. That was the first commercial screening we did for the sales community. Do you see Indian films actually, the market's opening up for Indian films, more Indian films? I think so. I think there are some shining examples of even as way back as Monsoon Wedding, for example. Though it was a Hollywood studio film, but it was a very small budget. That time it was $1 million production. And it did very well. Lunchbox has done very well. I guess there are more examples which are not coming. Like, of course, like My Big Fat Greek Wedding. That's an English film, but a very small budget film. And it came around the Monsoon Wedding time. And that did very well too. Moonlight, recently, it's, I think, done very well there. So I think Indian cinema is going international. And we are hoping. So we are optimistic and rather than pessimistic about it. So we are putting every effort around this film. As a team to make it happen. मैं हीरो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ. मैं इस किरदार को एक करेक्टर देखा और उसको पकड़ने की कोशिश की. मतलब मुझे लगा बहुत लेयर हैं इस कैरेक्टर में. छोटे छोटे सीन्स में कई जगह सचमुच में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम भी हुई उन चीज़ों को समझने में, लेकिन मेरे साथ उनका होना बहुत फायदेमंद हुआ. मैंने ऐसा नहीं देखा. मुझे तो लगा कि उनका हीरो आदिल है और मैं तो उनके साथ सपोर्टिव कैरेक्टर में हूँ, जैसे आप हैं. और इसके बारे में आदिल से पूछना चाहिए कि कैसा लगा उनको हीरो बन के. मैं समझता हूँ कि फिल्म ही हीरो है. ये नेक्स्ट डीडीएलजे कपल है, बहुत मॉडेस्ट है. असली हीरो की बात पूछते हैं तो इस फिल्म का असली हीरो अगर कोई है तो सुभाष नहीं, ये DDLJ वाले कपल हैं. ये लोग वो लोग अभी सरसों के खेत होते थे पहले, अभी बनारस की बोट होने वाली है. तो आप मुझे लगता है वही टाइटैनिक जैसा पोज एक फेमस हो गया, वैसा पोस्टर वाला पोज आई होप फेमस हो गया. थैंक यू. ऑलराइट. हां.
मुक्ति भवन है फिल्म का नाम. ये फिल्म डेथ के बारे में है और मैं जो किरदार प्ले करती हूँ इसमें आदिल जी की वाइफ का रोल करती हूँ, ललित जी की बहू हूँ. मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि मैं खुद इन सब इमोशंस से गई हूँ. मेरे पिताजी उनके आखिरी सालों में मेरे साथ थे तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल ये कहानी थी. और मैं चाहती थी कि इसमें मेरा जो किरदार है वो बहुत सख्त है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं मैटर ऑफ फैक्ट है, लेकिन मुझे वो सब जो अनुभव मैंने खुद लिया है वो एक्सप्रेस करना चाहती थी. तो ये कहानी के माध्यम से मैं कोशिश मैंने की है कि वो एक्सप्रेस हो. आदिल हुसैन जी अपने काम के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, बहुत ही फाइन एक्टर है, तो उनके साथ कैसा लगा काम करके? बहुत ही सहज है उनके साथ काम करना, बहुत ही आसान लगता है क्योंकि और उनका इतना एक्सपीरियंस है, इसके कारण वो भी हमें कुछ कुछ सजेशंस देते हैं जिसका बहुत फ़ायदा होता है. मुझे लगता है शुभाशीष को भी उनकी बहुत मदद हुई, मुझे तो हुई क्योंकि हमारे सब सीन्स मेरे जो हैं उनके साथ ही है ज़्यादातर. बहुत अच्छा लगा. एक बहुत अच्छा, ये जो छोटी फिल्में होती हैं इनकी खूबसूरती ये होती है कि हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं. एक छोटी कहानी होती है, यूनिट छोटा होता है तो उसका बहुत माहौल बहुत अच्छा होता है काम के लिए. और हम वाराणसी में थे, आउट ऑफ टाउन थे, तो उसके कारण सब एक साथ आए और हमने कोशिश की है एक बहुत ही वार्म स्टोरी बताने की. आई होप लोगों को वो पसंद है. ऐसा कोई सीन आपके जो दिल के बहुत ही करीब? एक बहुत मज़ेदार सीन था मेरे और आदिल के बीच, जो मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ कह रही होती हूँ उसका बहुत मिसइंटरप्रेट करते हैं वो, तो वो जो जनरली हस्बैंड्स और वाइफ्स में होता है वैसा ही वो सीन है. तो आई होप कि उससे मज़ा आएगा लोगों को. ये मूवी नेशनल अवार्ड के लिए भी भेजी गई है तो आपको कितनी उम्मीद है? क्या अवार्ड्स क्या होते हैं, हम अवार्ड्स पे नहीं भरोसा रख सकते हैं क्योंकि कौन जूरी होगी क्या होगा ये अपने हाथों में नहीं होता. अपना काम करो, अगर उसे कुछ सराहना मिले तो अच्छा है, अपने को एक थोड़े टाइम अच्छा लगता है. अगर नहीं मिले तो अपना काम करते रहो, यही मैं तो यही सोचती हूँ उसके बारे में. दर्शकों को क्या कहना चाहिए मूवी का? मुझे लगता है बहुत वार्म स्टोरी है. हम सब लोग बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस कहानी से, तो मुझे लगता है लोगों ने आना चाहिए और ये कहानी देखनी चाहिए. और अपने इट्स लाइक कैथारसिस, जैसे एक बाप बेटे की कहानी है तो मुझे लगता है वो सबको टच करेगी और सब लोग वो अनुभव मतलब शेयर कर पाएंगे ऐसा मुझे. मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर के लिए जो सचमुच चाहते हैं कि एक्टर इसलिए बना है क्योंकि अलग अलग सचमुच के अलग अलग, ना कि सिर्फ मूछे उगाले, लेकिन अंदरूनी तौर पर जब सचमुच एक अलग अपने ज़िंदगी के, अपने शरीर के, अपने मन के, अपने आवेग के एक अलग जगह पर पहुंचने के वजह से, पहुंचने के लिए एक्टर बना है, कि ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया. अगर किया भी है लेकिन थोड़े समय के लिए आम जिंदगी में, तो मैं शायद इसलिए एक्टर बना ताकि मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभा सकूं और सचमुच अलग, जैसे मैंने कहा, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं. तो इस वजह से जब इस किस्म के फिल्म मेरे पास आते हैं या और जो जिससे आता है ये फिल्म, वो उनको फिल्म बनाना भी आना चाहिए. कोई भी तो सब्जेक्ट तो बहुतों के पास बहुत अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उनको फिल्म बनाना ही आता है. मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है तो मैं इसलिए पहले देखता हूँ कि आपने क्या बनाया पहले. जैसे मुझे पहले पूछा जाता था कि आपने दिखाओ, ऑडिशन दिखाओ, क्या एक्टिंग कर सकते हो, तो थैंकफुली अभी इस उम्र में जाके वो पूछते नहीं है. तो
तो इसलिए पता चलना चाहिए कि किस किस्म के रोल, डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, वो क्या फिल्म बना चुके हैं. अगर बना चुके सक्सेसफुल भी है लेकिन फिल्म मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस फिल्म में काम नहीं करता हूँ. तो जब मैंने देखा कि इनके फिल्म जो है, ये सुभाषिश भुटियानी 23 साल का था जब उन्होंने ये फिल्म लिखा है, 24 साल में डायरेक्ट किया है, और 21 साल की उम्र में उनकी जो शॉर्ट फिल्म है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता, बेहतरीन फिल्मों फिल्म फेस्टिवल में से बेहतरीन माना जाता है, उसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है. तो पता चला है कि इनको फिल्म बनाना आता है. तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, हरगिज़ करेंगे, पैसा दो या ना दो फिर भी करेंगे. मूवी की बात करें, मुक्ति भवन जी जो कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यू, मतलब न्यू टैलेंटेड न्यू डायरेक्टर है आपके पास, जब स्क्रिप्ट लाते हैं एक, आप इतने बड़े एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि डर लगता है कि नहीं, न्यू आर्टिस्ट है, न्यू डायरेक्टर है, कहीं कुछ पूछ नहीं आपके इमेज में लोगों के प्रति, कुछ पूछ नहीं था. बड़ा एक्टर मैं हूँ सिर्फ उम्र के हिसाब से, हाँ, बाकी बड़ा एक्टर मैं अपने आप को मानता ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं अभी भी लगता है कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये जो हर समय एक जानने की ख्वाहिश होता है ना कि सचमुच कर पा रहा हूँ, ये सचमुच सत्य है इसमें, मैं जो कह रहा हूँ वो सचमुच विश्वास हो रहा है कि नहीं सामने वालों को, तो उस पर अभी भी स्ट्रगल करते जा रहा हूँ. तो हाँ, उम्र में तो बड़ा हूँ उनसे. तो जब आता, मैंने जैसे कहा ऑलरेडी कि मेरा तो पूरा फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शब्द ही मुझे पसंद नहीं है. इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चर करता है ना, तो हम थोड़ी प्रोडक्ट है यार, मुझे ये शब्द ही बिल्कुल पसंद नहीं है. इंडस्ट्री ये फिल्म वर्ल्ड बोल सकते हैं, सिनेमा वर्ल्ड बोल सकते हैं. तो इंडियन सिनेमा वर्ल्ड में अभी मुझे भरोसा है सिर्फ इन बच्चों के लेकर के, जो कम उम्र में अभी बना रहे, जैसे कोर्ट फिल्म बनाया, जैसे तिथि बोल के एक फिल्म बनी है, जैसे ये बनी है मुक्ति भवन, मसान, काफ़ी सारे अच्छे से फिल्में जो बन रहे हैं, लाइट बॉक्स जो मैंने देखा नहीं, सो इसलिए मैं नाम लेने पर, ये बाकी मैंने सब देख चुका हूँ. तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है जो इंडियन फिल्म को अगले दर्जे में लेके चला जाएगा. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो और क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म के फिल्म में देख करके ऑडियंस को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चलता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या, अरे इतना अच्छा भी हूँ इतना बुरा भी हूँ. तो अपने अंदर एक क्या कहते हैं इसको, अंदरूनी जिज्ञासा पैदा होता है, और वो टॉर्चर करके नहीं होता है, कि बोरिंग आर्ट फिल्म दिखा के नहीं होता है, ये एंटरटेनिंग के मतलब लोग तभी ना फिल्म देखने आएंगे जब वो पसंद करेंगे. तो पसंद तभी करा सकते हैं अगर जो फिल्म मेकर हैं उनको फिल्म बनाना आता है. तो इस वजह से इस किस्म के फिल्मों से हमारे समाज में बहुत एक कम छोटा सा हो, एक जिसको हिंदी में कहते हैं कि क्रम विवर्तन, एवोल्यूशन, थोड़ा एवोल्यूशन अगर नहीं होता है आर्ट के ज़रिए तो किसके ज़रिए होगा फिर. आर्ट का भूमिका ही है हमारे समाज में कि लोगों को थोड़ा सा अपने जो किचिर पिचिर चिट होता रहता है उसमें से थोड़ा बाहर ले जाके अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आभास दे कि भाई इतना सीरियसली मत लो अपने आप को यार, कल ही तो जा सकते हो तुम. सर, इस मूवी में फादर और सन के रिलेशनशिप बताया गया है, तो आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ही रिस्पेक्ट कम होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? बहुत कुछ कहना है, तो किताब ही लिख सकते हैं हम उसके बारे में. मेरे के रिस्पेक्ट बहुत जी अब कम जी, जैसे मैं अपने पिताजी की आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकता था जब वो मतलब जवान थे, जब फिर वो मतलब बुढ़ापा आ गया तो भी मेलो हो गए, उन्हें आया कि पिताजी कैसे हैं. तो आजकल मेरे ख्याल से डर नहीं होनी चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में, मेरे ख्याल से डर कोई मदद नहीं करता है. रिस्पेक्ट अलग बात होता है, डर नहीं होनी चाहिए. तो डर था मेरे अंदर पिताजी के बारे में, और जैसे मेरा अभी बेटा है 7 साल का, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे डरे, मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, डरे ना, और सब कुछ बताने लायक हो
कि ऐसा है कि उनके जो ज़िंदगी में प्यार की बारे में हो, सेक्सुअलिटी के बारे में हो, अगर वो समकामी निकला, वो भी मुझे आके बताया कि पिताजी मेरा ऐसा पंगा है यार, क्या करें। बोले ये है तो है। तो इस किस्म के निडर एक संबंध अगर हो जाए पिताजी और बेटे के अंदर, या क्या कहते हैं, बेटियों के बीच में, तो मेरे ख्याल से वो समाज में फिर एक सुस्त, एक हेल्थी समाज क्रिएट करेगा। ना कि हम छुपा के रखते हैं, हम कांड तो बदमाशी करते हैं लेकिन पिताजी के सामने पिताजी ऐसा है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सब बदमाशी कांड करते हैं और आके हम बताते नहीं हैं। तो ये जो अंदर रह के दो, मतलब इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी, तो उस किस्म के एक आदमी बनना ही मेरे ख्याल से हमारे इस देश के जो क्या कहते हैं फिलॉसफी है उसके ख़िलाफ़ है। हम हमारे इस देश के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि मास्टर्स वगैरह हैं, श्री अरविंदो हो या विवेकानंद हो, कहते कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस सब कहते कि लज्जा घृणा भय, ये तीन चीज़ें लोगों के अंदर होनी नहीं चाहिए। डर, भय और लज्जा, लज्जा भी नहीं होनी चाहिए। लज्जा किसके बात में, कि आप नंगा होके घूमें, ऐसा नहीं है, लेकिन लज्जा कि अपने अंदर जो भी पैदा होता है दिमाग में, हम जिसको गंदा ख्याल बोलते हैं कि गंदे ख्याल आते हैं, उसको भी अब स्वीकार करना कि मैं ऐसा भी हूँ और मैं वैसा भी हूँ, मैं सुंदर भी हूँ, मैं बहुत मतलब ख़राब भी हूँ, दोनों के बीच में जो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्णा कि अरे हम सब सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। बॉलीवुड मूवी की बात करें तो बॉलीवुड मूवी में ज़्यादा करके, मैं फिलोसफी ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, अच्छा चलिए बॉलीवुड मूवी की बात करें तो बॉलीवुड वॉचर जो मूवी है, जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनकी मेंटेलिटी हो चुकी है आइटम सॉन्ग्स जी जी, इस तरह की फिल्मों को व्यूअर्स के मेंटेलिटी बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद चाह रहे कि मुझे आइटम सॉन्ग दो, नहीं, किसने तय किया आइटम सॉन्ग चाहिए बताओ। नहीं लगता कि कमर्शियल मूवी ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि उससे एक सीख भी मिलती है, मेरे ख्याल से कि हर किस्म के फिल्मों के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे 3000 स्क्रीन आपने खरीद लिए हैं क्योंकि आपका मूवी 50 करोड़ का या 70 करोड़ का बना हुआ है या व्हाटएवर द बजट इज, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है तो फिल्म मत बनाओ, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वो जो हमारा थियरी है क्या नाम है ये सर्वाइवल थियरी, उसमें अगर हम बताएं कि पैसे नहीं, मत फिल्म क्यों बना रहे हो, फिर मत बनाओ। नहीं, हम फिल्म बनाएंगे और उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अब अगर आप शुरू से भी देखें कि जो महाराजाएँ राजाएँ थे, उनके पेट्रनाइजेशन के बिना जो फाइन आर्ट जिसको कहते हैं, क्या कला है उसको, ललित कला, फाइन आर्ट को हमेशा गवर्नमेंट हेल्प करते थे, हमेशा राजा महाराजा उनके पिस्ट क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सरशिप के अलावा बगैर आप फाइन आर्ट में बहुत कम, क्योंकि वो पॉपुलर आर्ट है ही नहीं, ये डिवीज़न हमेशा रहेगा सोसाइटी में, अब तब भी रह चुका है, 1500 साल पहले अभी भी रहेगा। वो फाइन आर्ट एक होता है और एक नॉर्मल आर्ट होता है, लेकिन फाइन आर्ट जब जो फाइन आर्ट है उसको नॉर्मल आर्ट में बदल चुके हैं यूरोप में जो ये फिल्म जो यहाँ इसको बोलते हैं कि मतलब सेंसिबल फिल्म है, वो नॉर्मल फिल्म है यूरोप में। तो अगर यूरोप जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते भाई, हम बना सकते हैं ऐसी फिल्में, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको ये ऐसे फिल्में दिखा दिखा के मतलब आइटम नंबर चाहिए उनको पता ही नहीं है कि ऐसी फिल्में होती हैं, जो अलग किस्म की फिल्में, ऐसी फिल्में जो हम बना रहे हैं, ऐसी फिल्में होती हैं, उनको पता ही नहीं है, इवन विदेशों में नहीं पता है इंडियन दर्शकों को। मैंने एक फिल्म लेके गया था लेसन्स इन फॉरगेटिंग, तो वहाँ जाके मैंने देखा एक ऑडियंस मेंबर आया मेरे पास, अच्छा इंडिया मेक सच गुड फिल्म्स, वी डिडंट नो, क्योंकि वो लोग सिर्फ वो देख रहे हैं। अच्छा ये सिचुएशन है, सही मूवी नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट, हाँ ये तो अप्लाई तो किए हैं, वैसे भी दर्शक और बहुत सारे राइटर्स ने भी इसके बारे में कहा गया है कि बहुत ही अच्छी मूवी है, तो जी आप कितना मानते हैं क्या ये मूवी, ये डिपेंड करता है कि नेशनल अवार्ड की जूरी कौन है, आज इस बार जूरी का हेड कौन है,
उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है ना, उनका भी टेस्ट की होती है। नेशनल अवार्ड तो एक यंत्र नहीं है, मशीन तो है नहीं, वो बंदा बैठेगा ये क्या फिल्म बनाया यार, वो ऐसे दिखता है अरे बहुत अच्छा फिल्म है इसको मिलनी चाहिए। इट टोटली डिपेंड अपॉन द ज्यूरी मेंबर्स। आपके ऊपर लेस प्रेशर है क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी मूवी बहुत ही जन को सब पसंद आ रही है। नहीं मेरे अगर नहीं भी आ रही है तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो प्रोड्यूसर के ऊपर है, मैं तो फिल्म कर चुका हूँ मेरा काम ही खत्म। हाँ काफ़ी सारे रिलीज हैं अभी, 19 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है, वो पैरानॉर्मल थ्रिलर है, लिसा रे, मैं, हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, वो रिलीज़ हो रही है 19 मई को। उसके लिए प्रमोशन फिर इसके बाद ही तुरंत शुरू हो जाएगा। उसके बाद लव सोनिया एक हॉलीवुड फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर लाइफ ऑफ पाई का प्रोड्यूसर है मनोज वाजपेयी, ऋचा चड्ढा, फ्रीडा पिंटो, मनो क्या नाम है राजकुमार राव, डेमी मोर, सॉरी मैं हूँ, और दो जने बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है मराठी, एक एक्ट्रेस है उसका उनके नाम है मृणाल ठाकुर और राई सर, सो वो है। उसके बाद एक नॉर्वेजियन फिल्म करके आया हूँ वो भी है, और उसके बाद एक फिल्म है काबुलीवाला, डैनी डेंगजोंगपा काबुलीवाला का रोल किया है, मैं उसमें मीनी का फादर का रोल कर रहा हूँ। काफ़ी सारे फिल्म रिलीज में है, इसका 2.0 है ऑफकोर्स, बाप रे बाप कैसे बोल सकता हूँ, 4 तो हो गया, कमांडो 2 भी रिलीज हो गया, अभी दूसरा 2.0 है, आई थिंक वी आर सपोज टू लेट गो। थैंक यू, thank you so much.